डेढ़ साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक बेनतीजा है। इसमें हर रोज नए नए मोड़ आते हैं और ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बदलते वक्त के साथ युद्ध में नए नए तकनीकी हथियार भी खूब तबाही मचा रहे हैं और ये दोनों देश इस तरह की तबाही वाले हथियारों का जमकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ड्रोन अटैक, सुखोई 35 फाइटर जेट, R-35 मिसाइल, SU-57 लड़ाकू विमान, F-16 फाइटर जेट्स जैसे कई नाम हैं जो इस युद्ध में आतंक का पर्याय बने हुए हैं। कभी रूस यूक्रेन पर भारी लगा तो कभी यूक्रेन का दांव रूस के लिए परेशान करने वाला रहा। कुल मिलाकर जंग जारी है और उससे होने वाली तबाही आए दिन देखने को मिल रही है। आज के युद्ध का नतीजा काफी हद तक हथियारों की ताकत पर तय होता है, इसलिए बेहतर और ज्यादा घातक हथियार पाने की होड़ भी लगी रहती है। हथियारों की दिशा में रूस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये खबर यूक्रेन और यकीनन नाटो देशों की चिंता की लकीरें बढ़ा सकती है। कई महीनों के प्रयास और उतार चढ़ाव के बाद रूसी एरोस्पेस फोर्स ने अपनी पहली UMPC Fab-1500 M54 हाई एक्सप्लोसिव बम को एक टारगेट पर फायर किया जो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। इसकी सूचना एक पूर्व सैन्य पायलट और रूसी सैन्य विमानन ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है। अब जरा इसकी घातक ताकत को भी समझ लीजिए। मूल रूप से ये बम ऐसे हथियार हैं जिनमें उड़ान के लिए कंट्रोल होते हैं, जिससे वो दूर के लक्ष्य को उड़ते हुए भेज सकते हैं। यही नहीं, इस खतरनाक बम को न तो लक्ष्य के करीब ले जाने की जरूरत है और न ही दुश्मन के फ्लाई जोन में जाने की जरूरत है। इसे फिक्स रेंज से ही फायर करके टारगेट को नेस्ते नाबूद किया जा सकता है। ब्लॉगर फाइटर बॉम्बर के मुताबिक सब कुछ सॉलिड है, साथ ही सब कुछ नया है। 5 मीटर की सटीकता के साथ ये बम एक एक्सप्लोसिव गड्ढा बनाता है जिसका व्यास 15 मीटर है। इसके अलावा इसकी गोलीबारी से लगभग 2 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को तबाह किया जा सकता है। इस बम के विस्फोटक 700 किलोग्राम से कम है। हालांकि ये बम VKS के SU-34 और SU-35 लड़ाकू विमानों द्वारा ले जाया जा सकता है, जिन्हें बड़ी संख्या में यूक्रेन युद्ध में तैनात किया गया है। दावों के मुताबिक SU-34 लड़ाकू विमान कम से कम 2 UMPC Fab-1500 M54 बम ले जा सकता है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 3 कर दिया जाएगा। ऐसे 3 बमों के साथ SU-34 एक समय में एक फायर कर सकता है या 3 अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ 3 बम फायर कर सकता है। ब्लॉगर ने इस बात पर भी जोर डाला कि FAB प्रकार के ग्लाइडर बमों के हमले से बचने के लिए फिलहाल यूक्रेनियन के पास कोई बचाव नहीं है। बम की अधिकतर ग्लाइडर रेंज FAB 500 M62 जैसे मौजूदा हल्के बमों से कहीं अधिक है। बम का प्रोडक्शन अब शर्तिया बढ़ने जा रहा है, क्योंकि हालिया हुए इस परीक्षण से इसकी एक्यूरेसी और मारक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। इसके नए ग्लाइडर डिजाइन की वजह से इसकी मारक सीमा में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब अंदाजा लगाइए कि इस हथियार के फुल प्रूफ सफल ट्रायल के बाद ये यूक्रेन के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है, और यही वजह है कि इसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है।